हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बीसप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज। टुडे आई विल बी डिस्कस क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कोल। तो हम लोग पहले पार्ट में क्या डिस्कस किए थे, कोक किए थे, आज हम लोग कोल तार पर डिस्कस करेंगे। तो दूसरा हमारा जो प्रोडक्शन फॉर्म है कोल से, वो क्या है, कोल तार है। तो यह कि इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज एन द मिक्सचर ऑफ द अबाउट 200 सबस्टेंस प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक्स डाइज। अब यूज बता रहा है कि इसका क्या क्या यूज है, सिंथेटिक्स डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, रूफिंग मटेरियल्स, पेंट्स एक्स्ट्रा। तो नेफ्थेलिन बॉल यूज टू द रिपल्स मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑप्टेंट फ्रॉम द कोल तार। तो कोल तार इज द सेकेंड प्रोडक्ट, दे आर द ऑप्टेंट फ्रॉम द कोल एंड दे आर द वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ। दे आर द यूज आर द प्रिपेयरिंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एज लाइक एक्सप्लोसिव है, मेडिसिन है, ड्रग्स है, पेंट्स है, परफ्यूम्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसे बनाई जाती हैं एंड दे आर द यूज इन आवर डेली लाइफ, जिसका हम लोग प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। दे आर द यूजेज टू द प्रिपेयरिंग द पेस्टिसाइड्स। तो इसमें बहुत सारे यूज हैं। तो ये एक थिक लिक्विड होता है एंड दैट मीन्स ए कोल, दे आर द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ द थिक लिक्विड एंड दे आर द गिविन ए बैड स्मेल, दे आर द नोन एज द कोल तार। इसके बाद जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है कोल गैस का, और ये भी किससे बनता है, कोयले से ही बनता है। तो कोल गैस इज द ऑप्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल टू द गेट कोक एंड इट इज द यूज एज ए फ्यूल इन द मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो आप कह रहे हैं कि कोल गैस, इसको ये तीसरा फॉर्म है, तो कोल गैस इसको जब हम गैसेस फॉर्म में लाते हैं तो इट इज ऑप्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल गेट द कोक। पहले हम कोक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं, वहाँ से जो गैसेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में उसको ऑप्टेन करते हैं। तो दे आर द नोन एज द कोल गैस। अब कोल गैस दे आर द यूज फॉर द रनिंग हैवी इंडस्ट्रीज, इसको भी हम पावरफुल हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तो जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू सबस्टेंस होते हैं दे आर द यूज फॉर रनिंग हैवी इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद आता हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से पहले अगर हम डिस्कस कर लें, तो कोल पे हमने डिस्कस किया, व्हाट इज द कोल, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कोल एंड व्हाट इज द डिफरेंस मटेरियल दे आर द ऑब्टेंड फ्रॉम द कोल, कि हम कोयले से क्या क्या बना सकते हैं। तो हमने बताया कि कोयले से कोक बना सकते हैं, कोल तार बना सकते हैं और कोल गैस बना सकते हैं। अब हमारा आ गया पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम दे आर द मिक्सिंग ऑफ द टू वर्ड पेट्रो एंड ओलियम। पेट्रा मिस होता है परफ्यूम यानी सुगंधित, और ओलियम मिस होता है ऑयल, या इसको हम लोग रॉक ऑयल भी कहते हैं। तो सुगंधित तेल, इसका जनरल मीनिंग हम लोग लेते हैं साइंस में, पेट्रा मीन्स ओलियम एंड ऑयल। तो पेट्रा अगर लेते हैं तो पेट्रा का ग्रीक वर्ड में एक मीनिंग होता है क्या, रॉक होता है, यानी रॉक ऑयल इसको कहते हैं, कुछ इसको परफ्यूमड ऑयल भी बोलते हैं। तो पेट्रोलियम इज यूज एज ए फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। हेवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन द डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेंड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेस कॉल्ड पेट्रोलियम। तो अब यहाँ पे जो हमने बात किया कि जैसे मान लो कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की जो माइनिंग होती है, जो हम उसके वेल से माइनिंग करते हैं, निकालते हैं, तो रॉ मटेरियल होता है। इन रिफाइनरीज दिज रॉ पेट्रोलियम आर द कन्वर्टेड इन द डिफरेंट टेम्परेचर ऑब्टेंड एंड दे आर द गिवन द डिफरेंट नेम। अब उसमें क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, नेफ्था है, वैक्स है, गैसोलीन है, पेट्रोल ईथर है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो सब हमारे पेट्रोलियम का जो रॉ फॉर्म होता है, जो कच्चा मटेरियल होता है, उसको हम लोग रिफाइन करके प्रिपेयर करते हैं। अब ये होता है कि दे आर यूज रनिंग हेवी व्हीकल्स एंड लाइट ऑटोमोबाइल्स। तो दैट मीन्स जो हेवी है तो हम उसमें ऐसे फ्यूल का यूज करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसमें हम ऐसे फ्यूल का यूज करते हैं जिसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, लेस यानी कम होता है। तो बार बार यहाँ पे चूंकि कैलोरीफिक वर्ड आ रहा है, तो कैलोरीफिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि इनर्जी ऑब्टेन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ 1 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल।
यानी कोई भी फ्यूल हो उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम हो एंड दे आर द कंप्लीट बर्न, तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग आर द नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। अब यह कि अगर क्वांटिटी ग्राम में होगा तो एनर्जी ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू आर द मेजर इन कैलोरी और क्वांटिटी आर टेकन इन द किलोग्राम देन एनर्जी ऑफ मेजर इन किलो कैलोरी। तो पेट्रोलियम के बाद आता है कि फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो पेट्रोलियम वॉज द फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ध्यान दो, कोल इज द प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट एंड पेट्रोलियम आर द प्रिपेयर्ड बाय द एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर द डेड एंड ब्यूरेड अंडर ओशन बेड एंड डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। तो दिस कन्वर्जिंग लिक्विड आर द नोन एज द पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ द सैंड एंड क्ले। ओवर मिलियन ऑफ ईयर एबसेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन द डेड ऑर्गेनिज्म इन टू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अब यहाँ से दो चीज़ें बनेगी, तो जो डेड बॉडी जब कन्वर्ज होता है तो अगर वो लिक्विफाइड है तो पेट्रोलियम कहलाएगा, बट बाई इफेक्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर दिस लिक्विड आर द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ द गैसेस देन दे आर द नोन एज द नेचुरल गैस। तो जो लिविंग जो डेड बॉडी होते हैं दे आर द डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड आर द नोन एज द पेट्रोलियम एंड दिस लिक्विड आर द कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस आर द नोन एज नेचुरल गैस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द प्यूरिफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम। थैंक यू।